वाह सुरेश, तुम्हारी गाय तो बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध है। जी हाँ जमींदार जी, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। सुरेश ये गाय मुझे बेच दो। ये गाय मुझे चाहिए, मैं इसकी देखभाल तुमसे अच्छा रखूँगा। नहीं मालिक, मैं अपनी गाय आपको नहीं बेच सकता। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर आपको नहीं बेच सकता। सुरेश तू मुझे मना कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जमींदार और नौकर आपस में बात करते हैं और उसके नौकर दोनों ही मिलकर सुरेश के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। मैं अब सुरेश को नहीं छोड़ूंगा, उसकी इतनी जरूरत कि उसने मुझे मना किया, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। जी हाँ मालिक। जाओ और उसकी गाय जबरदस्ती उठा लाओ। जी हाँ मालिक, जैसा आप कहें। सुरेश अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है, तभी अचानक से उसको खड़खड़ की आवाज सुनाई देती है। उसकी गाय की आवाज सुनाई देती है, वो भागकर तवेले की ओर जाता है और वो देखता है कि जमींदार के नौकर उसकी गाय को जबरदस्ती खोल कर लेकर जा रहे होते हैं। सुरेश उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते हैं, वो सुरेश को बहुत पीटते हैं। और वहाँ से उसकी गाय को लेकर चले जाते हैं। सुरेश रोते हुए, मैं अब अपनी गाय के बिना कैसे जीऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी सजा मिली, हे भगवान मैं क्या करूं? सुरेश परेशान होकर वो जंगल की ओर जाने लगता है, तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ पे रोने लगता है। तभी अचानक से जोरों की हवा चलने लगी है और एक आत्मा प्रकट होती है। आत्मा, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? सुरेश, आज सुबह जमींदार मेरे घर पर आया था मेरी गाय को खरीदने के लिए, पर मैंने उसे नहीं बेचा तो वो बुरा मानकर जबरदस्ती मेरी गाय उठा के ले गया। अब मैं क्या करूं, अब मेरी गाय ही मेरे जीने का सहारा था, मेरी रोजी रोटी का था, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, हे भगवान अब मैं क्या करूं? दुखी मत हो सुरेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी और गाय की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए इनाम दूंगा। तभी आत्मा उसे एक सोने से भरा एक घड़ा देता है, जिसे लेकर सुरेश अपने घर चला जाता है और वो दोबारा से अपनी मनपसंद चीजें और गाय को दूसरी गाय खरीद लेता है, जिसकी वो सेवा पानी में लग जाता है। लेकिन जमींदार के नौकर ये उसके पास दूसरी गाय देख लेते हैं और जमींदार के नौकर तुरंत जाके जमींदार से शिकायत करते हैं। जमींदार, सुरेश के पास दूसरी गाय कहाँ से आई? नौकर, मालिक मुझे लगता है उसने दूध बेचकर बहुत पैसा कमाया होगा, इसलिए उसने दूसरी गाय खरीद ली, वो अपनी गाय वापस भी मांगने नहीं आया। अच्छा, वो मेरी बराबरी करना चाहता है। जी हाँ मालिक। अच्छा एक काम करो, जमीन और गाय दोनों हड़प लो, सुरेश का बच्चा जब भूखा मरेगा तब उसे पता चलेगा। जैसा आप कहें मालिक। जाओ जल्दी जाओ। जमींदार के नौकर सुरेश की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उसकी गाय दोबारा से छीन कर उसके मार कर भगा देते हैं। किसान रोता हुआ फिर जंगल की ओर जाता है। तभी अचानक से जोरों की हवा चलने लगी है
और एक आत्मा प्रकट होती है। सुरेश अपनी सारी कहानी बताता है कि उसके साथ कैसा कैसा हुआ। सुरेश, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, और वो जोर जोर से रोने लगता है। उसका सोना भी जमींदार छीन लेता है। अब सुरेश बहुत ही अकेला पड़ जाता है। आत्मा, सुरेश तुम चिंता ना करो, अच्छी बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन और कैसे नुकसान पहुंचाता है मेरे लिए। सुरेश घड़े में आत्मा को लेकर अपने घर चला आता है और उस घड़े से नए नए पकवान, नए नए कपड़े और नई नई चीजें मंगाकर खाने लगता है। और सुखी रहने लगता है। पर जब यह बात धीरे धीरे जमींदार को पता चलती है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। मैंने सुरेश का सब कुछ छीन लिया, फिर भी उसके पास ये सब कहाँ से आता है? मालिक, मुझे लगता है कि उसके पास घर में बहुत सारा धन है, इसलिए वह सब कुछ दोबारा दोबारा खरीद लेता है। क्या वो मुझसे ज्यादा अमीर तो नहीं? मालिक, कहीं ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं, जाओ सुरेश को वहाँ से भगा कर घर भी हड़प लो। जैसा आप कहें मालिक। नौकर सुरेश के घर जाते हैं उसको घर से खदेड़ने के लिए। सुरेश ये देखकर बहुत ही डर जाता है और वो भागकर अपने घर में जाता है और घड़े से प्रार्थना करने लगता है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तभी अचानक से जोरों की हवा चलने लगती है और एक आत्मा प्रकट होती है। आत्मा निकलती है और तभी उसी समय जमींदार के नौकर भी पहुंच जाते हैं। जब जमींदार के नौकर आत्मा को देखते हैं तो बहुत ही डर जाते हैं और डर कर चिल्लाने लगते हैं। और आत्मा उनकी बहुत पिटाई करता है और उनकी पिटाई करने के बाद आत्मा उनको बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है, उनको बहुत मारता है और उन्हें मारने के बाद उनको वहां से भगा देता है। आत्मा सुरेश के साथ मिलकर जमींदार के घर पर जाता है और जमींदार को भी बहुत पीटता है और उसको बहुत मारता है। जमींदार सुरेश से माफी मांगता है। सुरेश मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, जो भी मैंने तुमसे लिया था वो सब वापिस ले लो, मेरी संपत्ति, मेरे खेत, मेरे खलिहान, मेरे पशु सब ले लो, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो। सुरेश जमींदार को जाने देता है, जमींदार गांव छोड़कर चला जाता है। अब गांव में सुरेश बहुत ही अमीर और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। गांव में सुरेश अपने पैसों से गांव में अस्पताल, स्कूल और कई सारी चीजें खुलवा देता है, जिससे गांव वालों की मदद होती है और गांव में सुरेश की जय जयकार होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।